हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर टिस्नेट एंड मोर अपडेट्स के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट वेट लिस्ट के बारे में कुछ एनालिसिस। तो ये कुछ कुछ एनालिसिस आप ही के क्वेश्चन पे मैं बनाया हूँ, ताकि आपका जो रिक्वेस्ट आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, और कितने ज़्यादा को मैं क्या जवाब दूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाने शुरू कर दिया हूँ। इसी पॉइंट पे वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें प्रीवियस ईयर का फर्स्ट वेट लिस्ट से कंपेयर करूँगा, लेकिन ये मैं बता दूँ कि प्रीवियस ईयर में जितने स्टूडेंट वेट लिस्ट कैंडिडेट को एडमिशन मिला है वो दिस ईयर में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि उतने ही स्टूडेंट को दिस ईयर भी एडमिशन मिलेगा। जैसा कि आप लोग कहते हो ना कि कट ऑफ, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ इतना गया था, नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ क्या सेम जाएगा? गारंटी नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता कि सेम ही रहेगा नेक्स्ट ईयर कट ऑफ, या तो डाउन हो सकता है या तो अप भी हो सकता है, सेम का कोई गारंटी नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इस पे कि प्रीवियस ईयर जो था आपका, प्रीवियस ईयर 18 स्टूडेंट परज्यू नहीं किए थे, और 18 स्टूडेंट जो 18 वेट लिस्ट स्टूडेंट थे उनको सिलेक्शन मिल चुका था। एस मतलब सिलेक्शन। अब 18 में 1, 2, 3, 4 करके नहीं गिन रहा हूँ, ठीक है, इसमें मिक्स्ड है, SC, ST, OBC जो भी है, जनरल है, तो उस हिसाब से 18 स्टूडेंट को मिला गया था। और इसके बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं है कि कौन सा ST था, कौन OBC था, कौन जनरल था, ये सब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 18 स्टूडेंट को, वेट लिस्ट स्टूडेंट को सिलेक्शन मिला था, ठीक है। तो दिस ईयर ये 18 स्टूडेंट को ही मिलेगा या उसी कैटेगरी को मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। टोटल जैसे स्टूडेंट अपना परज्यू जैसे कि नहीं करेंगे दिस ईयर, या कहीं और एडमिशन उन्होंने ले लिया, या किसी वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, कोई सा भी प्रोग्राम में, HRM की बात नहीं कर रहा, सारे प्रोग्राम में नहीं लिया, तो उसी वैकेंट सीट को फुलफिल करने के लिए आप लोगों को जो वेट लिस्ट स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, और HRM का ही क्यों किया बताओ, HRM से ही क्यों मैंने ये एग्जांपल देना चाहा, और क्यों अदर से कोर्सेज के नहीं ले? लेकिन मैं ज़्यादा अदर कोर्सेज को ले लेता तो आप बोलते कि ये प्रोग्राम बेकार है इसलिए स्टूडेंट छोड़ देते हैं। मैंने HRM के लिए इसलिए लिया क्योंकि आप जानते हो कि HRM इंडिया का सेकंड बेस्ट कॉलेज में टीस आती है, और 18 स्टूडेंट नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई और समय प्रोग्राम में आपको बना देता वीडियो तो आप कहते कि ये प्रोग्राम ही अच्छा नहीं है, इसमें एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए। तो ये यही इसी वजह से एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, क्या वेट लिस्ट इसलिए आता है कि प्रोग्राम अच्छे नहीं है? तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, एक ही स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि प्रोग्राम अच्छे नहीं रहने की वजह से स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते, ये टोटल डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, उनके चॉइस पे, और उनको जैसे आप भी जानते हो कि बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, स्पेशली जो HRM के इंटरेस्टेड हो, वैसे तो HRM ही प्रोग्राम है जो थोड़ा MBA से रिलेटेड है, तो उनको CAT देते हैं, Z देते हैं, या अदर कोई एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, तो उनको भी कोई जैसा IIM जैसा इंस्टीट्यूट हो, उनको वहीं पे पढ़ना हो, बहुत सारी रीज़न रहती है, किसी किसी को तो ये भी देखते हैं कि कम फीस है, पैकेज कितना हाई है, तो उनको केवल HRM ही चाहिए और भी टीस में, ठीक है, तो बहुत सारे अपने अपने डिसीजन है, क्योंकि किसी को फीस देखते हैं, ROI देखते हैं, कोई कॉलेज का नेम देखते हैं, सभी अच्छे ही हैं, कोई ख़राब नहीं है, मैं भी बोलता हूँ कोई ख़राब नहीं है, आपको भी यही सोचना चाहिए कोई ख़राब नहीं, इसी के वजह से 18 स्टूडेंट प्रीवियस ईयर नहीं लिए थे, जो दिस ईयर भी आपको ऐसा कुछ रिपोर्ट आएगा। तो सभी कोर्सेज का ऐसा कोई भी नहीं है कि जैसे किसी में 4 देखा हूँ, किसी में 5 देख रहा हूँ, किसी में 7 देख रहा हूँ, किसी में 9 देख रहा हूँ, किसी में 21 देख रहा हूँ, तो अब 21 वेट लिस्ट है, स्टूडेंट को एडमिशन दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन है इसमें जनरल OBC सभी को मिलाकर, तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम ही अच्छा नहीं, आप स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाती है अपने अपने चॉइस वाले, या उनकी
जो वजह रही हो वो तो मैं नहीं जानता हूँ, तो उस हिसाब से अपना एडमिशन लेते हैं। तो इसलिए मैं एचआरओ ही को चुना हूँ, एचआरएम को ही चुना हूँ, ताकि ऐसा ना कोई कहे कि सारा प्रोग्राम जिसके वीडियो पे बना दो उसी प्रोग्राम में बोलने लगे आप लोग कि ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है। तो ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, सारे ही अच्छे प्रोग्राम है, सारे चारों कैंपस के अलग अलग प्रोग्राम है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि कॉलेज कैंपस मुंबई कैंपस अच्छा है कि तुलजापुर गुवाहाटी या हैदराबाद, ऐसा कुछ नहीं है, सभी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम होता है, ये आपने कभी देखा ही नहीं है, इसलिए आप ऐसा सा क्वेश्चन करते हो। तो अच्छे से देखो समझो और वेट लिस्ट का इंतजार करो, ठीक है। और आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं ये प्रोग्राम करूँ, ये टोटली आप पे डिपेंड है, ठीक है, मैं आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये टोटली आपका आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्रोग्राम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। आप इंटरेस्टेड थे तभी तो अप्लाई किए थे, ऐसा तो मुझे लग रहा है, तो आप छोड़ोगे भी तो अपने इंटरेस्ट पे ही छोड़ोगे, तो यही मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ओके फ्रेंड्स, इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।